अरे अरे, ये क्या कह दिया है अंकित गुप्ता ने प्रियंका को लेकर। क्या मांग भी बढ़ चुके हैं अंकित गुप्ता प्रियंका की? कैसे? तो आपको वही सारा किस्सा बता रहे हैं। दरअसल लाइव फीड में देखा गया कि शालीन, विकास, टीना और साथ ही अंकित गुप्ता ये बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अब भाई, अंकित गुप्ता जहाँ हों वहाँ पर प्रियंका की बात ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देख लीजिए, यहाँ पर भी अंकित और प्रियंका की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अंकित जो है वो बहुत सारी बातें करते नजर आते हैं। खैर, यहाँ पर शादी की बात भी होती है। हाँ भैया, प्रियंका और अंकित की शादी की बात भी चलती है। और यहाँ जो है अंकित गुप्ता के लिए ये लोग बोलते नजर आते हैं, यानी कि शालीन, विकास और टीना, वो कहते नजर आते हैं कि अरे भाई, ये तो एंगेजमेंट के लिए भी तैयार हो चुका है, इसे तो एंगेजमेंट रिंग चाहिए, वो एंगेजमेंट रिंग ढूंढ रहा है। और तभी यहाँ पर प्रियंका आती है और काफी ज्यादा शर्मा जाती है, और अंकित भी शर्मा जाते हैं। प्रियंका को वो बोलते हैं कि भाई क्या सच? अगेन यहाँ पर प्रियंका जो है वो कहती हैं कि अच्छा, सच में ऐसा है क्या? और हंसती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अंकित है वो एक बड़ी बात बोलते हैं प्रियंका के लिए। क्या बोलते हैं आपको बताते हैं। दरअसल प्रियंका के लिए अंकित बोलते हैं, मैंने तो इसकी मांग भर दी थी। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद अंकित गुप्ता बताते हैं उड़ारिया का वो किस्सा, जहाँ पर सिर टकराते वक्त अंकित गुप्ता ने पूरी तरीके से मांग भर दी थी प्रियंका की। जी हाँ, प्रियंका की पूरी तरीके से मांग भर गई थी। इसे इत्तेफाक कहिए या फिर कहिए ईश्वर की प्लानिंग। जी हाँ, उड़ारिया के सेट पर जो लोग थे वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, तालियां भी बजाने लगे थे और कहते नजर आए थे कि भाई, इस पर कुछ तो सोचना चाहिए, लगता है ये ईश्वर की तरफ से इशारा है, लगता है जोड़ी जो है वो बन चुकी है यहीं पर। जी हाँ, ये किस्सा जो है वो खुद अंकित गुप्ता ने यहाँ पर बताया है। और इसके साथ ही जैसे ही अंकित गुप्ता ने ये बात बताई कि सभी लोग वहाँ पर तालियाँ बजाने लगे और कहने लगे कि भाई, इस पर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो इत्तेफाक जो है हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक है, लेकिन जो भी हो ये इत्तेफाक लगता है ईश्वर की तरफ से इशारा है और लगता है ये जोड़ी जो है वो बन चुकी है। बस यहाँ पर जैसे ही ये बात बोलते हैं अंकित गुप्ता, तो बस यहाँ पर बाकी लोग उनकी खिंचाई करने लगते हैं और कहते हैं हाँ, सही बात है, आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और बस यहाँ अंकित और प्रियंका जो है वो खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। और यहाँ पर प्रियंका बोलती है कि हाँ, सच में ऐसा है क्या? और बस बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड अंकित और प्रियंका के बीच देखने को मिल रहा है। एक बात भी तय है कि अंकित और प्रियंका जो हैं वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस वक्त घर में। और साथ ही साथ अंकित के बारे में ये ज़रूर हम कहेंगे कि अंकित जो है वो प्रियंका से बिल्कुल भी दूर नहीं जा पा रहे हैं। और अब तो प्रियंका के जो एक्स हैं वो भी आने वाले हैं घर में, तो शायद वही स्टोरी चलेगी, यानी कि प्रियंका को देखकर उसके साथ होगी काफ़ी ज़्यादा अंकित गुप्ता को जलन, यानी कि तभी करेंगे लगता है अंकित गुप्ता प्रियंका को प्रपोज, शुरू होगी लगता है यहाँ भी उड़ारिया की कहानी। वेल, फिलहाल यहाँ पर शादी जो है वो उसके बारे में बोलते नजर आ रहे हैं कि भाई, मैंने तो इसकी मांग कब की भर दी थी। तो भाई, आप सबका क्या कहना है अंकित और प्रियंका की शादी पर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।